1965 की पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तान की बरी और बहरी अफवाज ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया था, वहीं पाक फजाइया का किरदार भी सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। इस दिन की मजीद यादें भी जनाब ताज़ा करते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज फ्लाइट लेफ्टिनेंट है खतीजा बिनते जावेद। खतीजा, आपसे भी ये जानना चाहूँगी, हम ये जो जज्बा, ये जो बहादुरी हम मर्दों में देखते हैं, औरतों में भी इस तरह पाई जाती है पाक फजाइया में? मैं ट्रेनिंग से स्टार्ट करूँगी कि हमारा जिस तरह कैडेटशिप का एक टेन्योर है, टाइम पीरियड रखा गया है फोर्स से, तो वो टाइम पीरियड जो जितना हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के, उसी तरह खवातीन का भी उसी तरह है। अच्छा। तो लॉन्ग कोर्स में भी, शॉर्ट कोर्सेज में भी एयरफोर्स प्रोवाइड्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके। तो व्हेन यू गो थ्रू दैट ट्रेनिंग, तो फिर वो सेम पेट्रियाटिज्म, सेम जोश जज्बा, सेम आपके पास उसी एंथुजियाज्म से फिर आप काम भी करते हैं। तो यस, वो पेट्रियाटिज्म एक तो हमारे पास बचपन से हमारे पेरेंट्स की तरफ से इंस्टिल हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। बट आफ्टरवर्ड्स फिर आपके पास जो ट्रेनिंग है आपकी, वो उसमें जो है ना किरदार अदा करती है। फॉर 3 years, 4 years यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू डू व्हाट यू आर डूइंग नाउ, तो फिर वो ट्रेनिंग प्लेज अ पार्ट। यस, मतलब ट्रेनिंग से पहले थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जज्बा, वो बहादुरी, वो जुर्रत कि हम लोगों ने अपने दुश्मन को भगाना है बस जिस तरह मर्जी। अच्छा खदीजा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आप जैसी लड़कियाँ जो आपको देख रही हैं वो इसमें आना चाहती हैं, एयरफोर्स में आना चाहती हैं, तो क्या क्या चाहिए होता है इसमें आने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट? देखिए, पहली चीज़ है आपकी जो मोटिवेशन है बेसिकली। अच्छा। कि आप करना क्यों चाहते हैं। अच्छा। दैट इज़ द सोल रीज़न, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, वो लड़कों के लिए भी दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस फोर्सेज, इट टेक्स योर एफर्ट। उसमें आपको एक मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, आप किस जज्बे से आ रहे हैं पहली चीज़, बिकॉज ट्रेनिंग पीरियड में आपको बहुत सी ऐसे टाइम होता है व्हेन यू फील लाइक डीमोटिवेटेड, और बिकॉज रिगरस ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, पढ़ाई है, परेड्स है, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, फ्लाइंग एक्टिविटीज साथ चल रही हैं, तो जब वो सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं, दैट टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो यू नीड सम मोटिवेशन टू कीप यू अलॉन्ग गोइंग अलॉन्ग, आपको वो ज़रूरत होती है थोड़ी सी। तो यस, फिजिकल फिटनेस, देन आपकी अपनी मेहनत, पढ़ाई, उसके बाद आपकी मोटिवेशन, आपका जज्बा कि आप कर क्यों रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सैक्रिफाइसेस हमारे बड़ों ने दिए हैं वो क्यों दिए थे, दैट वाज फॉर सेक ऑफ दिस नेशन, एंड नाउ वी आर डूइंग द सेम, एंड वी नीड टू कंटिन्यू दैट लेगेसी, तो वो समझने की हमें ज़रूरत है। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट, तो फिर उसके बाद कोई ट्रेनिंग, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। देन वो 27 February वाली बात हो जाती है कि दे वॉन्टेड टी एंड वी सर्व देम वेल, तो वो चीज़ हो जाती है फिर। लेकिन खदीजा, ये डिसीजन आपका था पाकिस्तान एयरफोर्स में आने का? Yes, it was my decision. Yeah, because basically I belong to a family of soldiers. My father has been in army, and he served there. My uncles have been in army. Though Air Force में मैं पहली थी, but yes, it was my decision and they were proud of it. तो उन्होंने मुझे they backed me up on my decision. तो yes, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ अपनी फील्ड में। yes. बिल्कुल सही है, और जितनी आप मेहनत करते हैं आप अपनी फील्ड में, वो चाहे फील्ड कोई भी हो सकती है, तो आप उसमें एक्सेल करते जाते हैं।